dear R, welcome to the Poland Terminology Lecture Series. A parcherate, a pollen grain with one or more aperture. जैसे कि हमने पिछले एक लेक्चर में भी पढ़ा था कि aperturate pollen वो pollen होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा apertures होते हैं. फिर हमने apertures के types पढ़े थे. Arcuate, a pollen grain with arcus. Arcuate pollen grain वो pollen grain होता है जिन पे आर्कस होता है. सरफेस पे, पोलन के सरफेस पे, एग्जाइन पे आर्कस होता है. अब आर्कस क्या है? आर्कस ए क्लाउड वॉल थिकनिंग इंटरकनेक्टिंग एपर्चर. आर्कस जो एग्जाइन है उसके वॉल जो है तो बाज जगहों पर थिक हुआ होता है, उभरा हुआ होता है, बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, बाकी एग्जाइन की बनिस्पत मोटा होता है. और ये जो वाल होता है जहां पर थिकनिंग्स होते हैं, ये थिकनिंग्स जो है तो एपर्चर्स को कनेक्ट करते हैं. जब एक से ज्यादा एपर्चर्स हो पोलन ग्रेन पे, वाल पे, और उन एपर्चर्स को कनेक्ट करने वाला एक वाल होता है पोलन गेन का, जो एग्जाइन वाल होता है वो थिकन हुआ होता है और इन एपर्चर्स को आपस में मिलाता है. तो उस थिकन एरिया को या एग्जाइन वाल जहां पर थिक हुआ होता है और एपर्चर्स को मिलाता है उस एरिया को आर्कस कहते हैं. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है तो ये एपर्चर्स है और इन एपर्चर्स को ये वाल मिला रहा है. यहाँ पर इन सारे एपर्चर्स को कनेक्ट किया हुआ है. ये हमारे पास आर्कस है, ये सारे आर्काई है और ये हमारे पास एक पोलर आर्कस भी है. तो एग्जाइन वाल जो है वो टिक हुआ है और इन सारे जो एपर्चर्स है या पोर्स है इनको मिला रहा है. तो ये हमारे पास आर्काई है. जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं ये पोर्स है या एपर्चर्स है और पोलन ग्रेन का वाल यहाँ पर टिक हुआ हुआ है और इन आर्क और इन एपर्चर्स को आपस में मिला रहा है. तो ये हमारे पास एक आर्कस, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, ये सारे कलेक्टिवली हम इनको आर्काई कहते हैं और सिंगुलर आर्कस है. एरियोला, एरियोला क्या है? इंसुलर ऑर्नामेंटेशन एलिमेंट है. एरियोला पोलन ग्रेन के सरफेस पर एक ऑर्नामेंटेशन बना हुआ होता है जो कि इंसुलेशन का काम करता है, पोलन ग्रेन को इंसुलेट करता है. और ऐसे पोलन ग्रेन जिन पर एरियोला होते हैं उनको एरियोलेट पोलन ग्रेन कहते हैं. ए पोलन वॉल विद एरियोली आर कॉल्ड एरियोलेट पोलन ग्रेन. जैसे कि आप इस पोलन ग्रेन में भी देख रहे हैं ये हमारे पास क्या है, ये एरियोला है. इसी तरह ये सारा स्ट्रक्चर, ये जो थिकन वाल है और बीच में से एक पोर सा है, तो ये हमारे पास क्या है, एरियोला है और एक ये है. तो ऐसे पोलन ग्रेन को एरियोलेट पोलन ग्रेन कहते हैं जिनके ऊपर एरियोला होते हैं. तो ऐसे पोलन ग्रेन को एरियोलेट कहते हैं और ये एरियोला का स्ट्रक्चर है. Thanks for watching.